और अब ना घर वाले भी ऐसे ही करने लगे हैं कि हम पूरा दिन ये क्या करते रहते हैं, फोन पे ही लगे रहते हैं, बोलते रहते हैं। तो अब मुझे भी खुद अपने आप में शर्म सी लगने लगी है कि वाकई में कुछ कह नहीं सकते। अब आप लोग खुद ही समझदार हो, समझ जाओ। तो इससे आप लोगों से एक यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो और मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। जो न्यू है, जो ब्लॉग देखते हैं मेरा, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और ना थोड़ा मन भी तब अच्छा लगता है कि हाँ अब ब्लॉग वगैरह बनाए, अब अच्छा लगता है। और जब मतलब घर वाले भी हंसी करने लगे हैं तो मुझे भी थोड़ा अजीब से लगने लगा है। तो मैंने तो आज यही ठान लिया था कि अब नहीं बनाएंगे ब्लॉग वगैरह, कोई सपोर्ट नहीं करता है। और बस आप लोग खुद समझदार हो। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो यहाँ पे चल रही है बच्चों की तैयारी, यानी कि बच्चों की नहीं, मैंने सभी की तैयारी कर ली है खाने की। और मैंने ना पूरी फैमिली के लिए भिंडी की सब्ज़ी बना ली है। और इधर मैंने आटा लगा के रख लिया है। और अभी हो रही है बारिश और आज मुझे करना है कुछ नया काम, यानी कि अपने पौधे लगाएंगे हम। और मैंने पौधे बहुत अच्छे अच्छे मंगाए हैं नर्सरी से, फुलवारी वाले हैं सारे फूल के। और ये देखिए, मैं आज घी भी गर्म करेंगे और इसे ना मलाई बोलते हैं, मक्खन वही है ये। तो मैं बच्चों के लिए रोटियां बना दे रही हूँ और इधर भिंडी की सब्ज़ी बन गई है। रोटियां बच्चों के लिए सेक के मैं तुरंत रख दूँगी। रायते की तैयारी, यानी कि लौकी का रायता भी बनाना है। और कुछ बर्तन पड़े हुए हैं तो इनको भी साफ कर लेंगे। और इधर हमारे बेटू का ये देखिए क्या नौटंकी कर रहे हैं, और ये बिल्कुल तैयार घूम रहे हैं। अभी इन्होंने मांग नहीं काटी है, बाल नहीं ठीक किए हैं। तो आप लोगों को ना बारिश दिखाते हैं कितनी तेज़ बारिश हो रही है। और ये देखिए, ये पूरा फ़ायदा उठाते हैं। और हमारे यहाँ पर देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है, इधर से आती हैं ये। और बहुत ही ज़्यादा भी है, दूध भी नहीं गर्म हो पाता है यहाँ पे, इतनी तेज़ बारिश हो रही है सुबह सुबह से ही। और कपड़ों की तो इतनी ज़्यादा दिक्कत है, कपड़ों की तो इतनी ज़्यादा दिक्कत है कि देखिए मैंने कितनी रस्सियाँ बांध रखी हैं तब जाके कपड़े सुखा पाती हूँ। तो यहाँ पे लगा दिया है मैंने बच्चों का लंच, और लंच में है रोटी और भिंडी की सब्ज़ी। रोटी थोड़ी गर्म है तो नेक थोड़ी ठंडी सी हो जाए तब मैं इस टिफ़न का ढक्कन बंद करूँगी। और ये है बेटू की बोतल, ये है तनु की, और जानवी की अभी उसने भरी नहीं है, बोलिए हम थोड़ा सा ही पानी ले जाएंगे तो हम स्कूल से ही ले लेंगे पानी। मैंने कहा यहाँ से भर के ले जाओ, रास्ते में प्यास लगेगी बस में। तो ये मैंने बच्चों की तैयारी कर दी है। और ये देखिए वगैरह बेटू का, कितना भी जल्दी काम करो फिर भी बच्चों का हाल टाइम हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कितने टाइम कितनी जल्दी टाइम हो गया है स्कूल का। तो हमारे यहाँ पे बारिश हो रही है बहुत तेज़, और ये देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है। मैं ना दूध रख के बस हटी पाई थी और बहुत तेज़ बारिश होने लगी है, और बिल्कुल सुबह सुबह ही बारिश होने लगी है, यानी कि अभी 8 बजे हैं। और देखिए पूरी छत भर के पानी चल रहा है। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, होंगे। तो मैं ना पूजा पाठ करके मैं हो गई बिल्कुल फुर्सत, और अब मेरे जो किचन के बाकी के काम बचे हुए हैं वो निपटा ले रही हूँ। बहुत तेज़ बारिश हो रही है हमारे यहाँ पर, बारिश की वजह से कुछ भी नहीं दिख रहा है, एकदम बारिश बारिश का चारों तरफ पानी वगैरह। और हमारे यहाँ पे ना इस बारिश से बहुत ज़्यादा नुकसान है, मक्का वगैरह खेतों में खड़ी है। तो मैं बना ले रही हूँ खाना, और उसके बाद आप लोगों से फिर मिलते हैं। तो खाना वगैरह मैंने बना लिया है, और इधर घी हो रहा है गर्म, क्योंकि घी ख़त्म हो रहा था इस वजह से मैंने गर्म कर लिया है आज।
और रह गए हैं कुछ मेरे बर्तन और झाड़ू पोछा, ये भी कर ले रही हूँ। और पापा भी खाना खा के निकल गए हैं। आज लगाएंगे हम अमरूद का बहुत ही सुंदर सुंदर फुलवारी, वो आपको दिखाएंगे। बहुत ज़्यादा बारिश है इस वजह से ना झाड़ ढक दिया है। तो सारा काम हो गया है, खाना पीना घी भी गर्म हो गया है। और अब इसको मैं डिब्बे में कर दे रही हूँ, और इधर झाड़ू पोछा भी मैंने कर लिया है। और अभी ना बारिश थोड़ी रुक गई है, तो मैं अभी जाल खोल दूँगी, जब ऊपर जाएंगे छत पर तब जाके। तो बच्चों के थोड़े से कपड़े हैं, जो बच्चे नहा के गए थे वो उतार के रखे गए थे, तो मैं बच्चों के कपड़े धो दूँगी। और आज फूलों वाले पौधे लेके आए हैं, तो मैं ना उन्हें बड़े बड़े बर्तनों में लगाएंगे, यानी कि जो हमारे पास 15-15 किले के डिब्बे हैं ना, तो उन्हीं में हम लगाएंगे। देखते हैं, आपको दिखाएंगे ज़रूर। बहुत ही सुंदर सुंदर बेल वगैरह भी है। तो इतने सारे पौधे लेके आए हैं पापा, और ये देखिए बहुत सारे हैं। अब इनको लगाने की तैयारी करते हैं। तो मैं आ गई हूँ अपने रूम में, और नीचे के सारे काम थे वो मैंने कर दिए। अब रह गई है ऊपर के काम की बारी। तो ऊपर मेरा झाड़ू पोछा है कमरे में, और बच्चों के कपड़े हैं धुलने के लिए। तो सबसे पहले मैं कपड़े धुलूँगी, क्योंकि अभी धूप निकल आई है। पौधे लगाएंगे बाद में, पौधे तो लगाते ही रहेंगे, अभी उनका कुछ बिगड़ेगा भी नहीं। तो कपड़े अगर धो के डाल देंगे तो सूख भी जाएंगे। और बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतनी गर्मी है, घुटन सी हो रही है, ये मान लो आप लोग। तो मैं ना पहले कपड़े धुल के डाल दे रहे, थोड़ी बहुत धूप भी निकली है तो सूख जाएंगे। तो और ना पौधे भी हम लगाएंगे, बहुत जल्दी लगाएंगे, आज ही और लगाएंगे, क्योंकि ज़्यादा दिनों तक ना हो सकता है कल ही बारिश बंद हो जाए, पता नहीं लगे या नहीं लगे ये भी नहीं कह सकते हैं, पौधे हैं भाई। और ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतनी गर्मी है, दिमाग ख़राब हो रहा है गर्मी की वजह से, जबकि बारिश सुबह से हो रही है, अभी बंद हो लगभग आध घंटा हुआ होगा बारिश को बंद हुए। लेकिन बारिश हो जाए वो तो सही है, लेकिन गर्मी ना पड़े बस। तो मैं ना कपड़े धो ले रही हूँ, उसके बाद में मैं पौधे लगाएंगे। और अब ना घर वाले भी ऐसे ही करने लगे हैं कि हम पूरा दिन ये क्या करते रहते हैं, फ़ोन पे ही लगे रहते हैं, बोलते रहते हैं। तो अब मुझे भी खुद अपने आप में शर्म सी लगने लगी है कि वाकई में कुछ कह नहीं सकते। अब आप लोग खुद ही समझदार हो, समझ जाओ। तो इससे आप लोगों से एक यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। जो न्यू है, जो ब्लॉग देखते हैं मेरा, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और ना थोड़ा मन भी तब अच्छा लगता है कि हाँ अब ब्लॉग वगैरह बनाए, अब अच्छा लगता है। और जब मतलब घर वाले भी हंसी करने लगे हैं, तो मुझे भी थोड़ा अजीब से लगने लगा है। तो मैंने तो आज यही ठान लिया था कि अब नहीं बनाएंगे ब्लॉग वगैरह, कोई सपोर्ट नहीं करता है। और बस आप लोग खुद समझदार हो। तो इस वाली कट्टी में हम लगाएंगे, बहुत सुंदर सा पौधा है वो रखा है। तो बाकी के पौधे हैं हम आज नहीं लगाएंगे, जब लगाएंगे तब आप लोगों को दिखाएंगे। और यहाँ से ना इतनी इतनी हम काट लेंगे। तो पौधे वगैरह मैंने लगा दिए हैं, और बहुत तेज़ बारिश आ चुकी है, मैं लगा के हट नहीं पाई, तुरंत बारिश आ गई। इतनी तेज़ बारिश आई है कि हम आप लोगों को बता नहीं सकते हैं। और मैंने ना लौकी, तोरई, टिंडे और सेम के पौधे लगा दिए हैं, क्योंकि अभी पौधे लगा देंगे तो वो लग जाएंगे। अभी क्योंकि बारिश भी हो रही है, और देखिए आप लोगों को बारिश दिखाते कितनी तेज़ हो रही है, देखिए चारों तरफ पानी पानी दिख रहा है। और कपड़े ना मैंने डाल ही पाए थे, जैसी धूप हल्की सी पता चली कि धूप निकलेगी, लेकिन धूप तो नहीं निकली है। और वो देखिए मैंने सेम के पेड़ लगाए हैं, छोटे छोटे से पेड़ हैं, लग जाएंगे। मम्मी बोली हमारी लगा दो ये सब भी, तो ये भी हो जाएंगे तो होंगे। तो आज का ब्लॉग मैं यहाँ पे ही कर रही हूँ एंड। और आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
कमेंट करें। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए।